वो सिम लेना अपने एंड्रॉयड डिवाइस के लिए। तब आप लोग, अब आप पहले क्या करते हो, सबसे पहले दुकान में जाते हो और बाद में वहाँ पर देखते हो कि सिम है क्या, और आप लोगों को लगता है कि वहाँ पर कौन सा सिम लिया जाए, वोडाफोन का ले, एयरटेल का ले, जियो का ले, किस चीज़ का सिम लिया जाए, तो ये डाउट आप लोगों के मन में भी रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो स्टेप बताऊंगा और साथ में एक बोनस ट्रैक के साथ एक और मैं तीन स्टेप ऐसे बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी एक न्यू सिम को चॉइस करने में। तो वीडियो चालू करते हैं, उससे पहले मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है गौरव और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। चालू करते वीडियो। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊँ तीन चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है सिम बाय करने से, दुकान में जाने से पहले आप लोग घर पे ही सोच लेना है कि आप लोगों को सिम चाहिए क्यों। अगर आप लोगों को नॉर्मल ब्राउजिंग चाहिए तो आप नॉर्मली जो भी आपके इधर इजीली 2-4 MB का स्पीड दे देता हो वो स्पीड देखना है। जैसे कि अभी मैं वहाँ पर रहता हूँ, वहाँ पर स्टार्ट में तो जियो का इंटरनेट बहुत ही फास्ट रहता था, जैसे कि 5 MBPS 6 अच्छा था। बट अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो इधर मैंने देखा कि जियो के ही यूज़र ज़्यादा बढ़ गए, मतलब कि इधर लोग सारे के सारे जो कुछ जिसके पास भी एंड्रॉयड डिवाइस है वो सारे के सारे जियो का नेट सिम कार्ड ले रहे हैं। वैसे में तो सर्वर उसका मतलब कि लोड पड़ेगा ही टावर के ऊपर, और नियरेस्ट बाय टावर हमारा करीबन 5 किलोमीटर के है, बट स्पीड अच्छा खासा आ जाता था। बट मैं आप लोगों को बताऊँ तो अभी हाल ही में VI का भी एक टावर था, नहीं थोड़ा उससे भी दूर था, 10 किलोमीटर करीबन यहाँ से। बट पता नहीं अभी VI के रेंज मेरे घर तक बढ़िया आ रहे हैं, बट यहाँ पर किसी के पास भी VI का सिम नहीं है हमारे, मतलब कि समझ लीजिए एरिया में पास में बिल्कुल भी VI का सिम नहीं है। इस कारण से मुझे ज़्यादा स्पीड मिलती है और साथ ही में एयरटेल की भी स्पीड मेरे को अच्छी मिलती है। बट अगर VI की बात करें तो VI की सुपर फास्ट मेरे को स्पीड मिलती है। यही पर अगर बात करें फास्टेस्ट नेटवर्क हमारे एरिया में VI है, वोडाफोन आइडिया जो कुछ ये अभी है चल रहा है। तो आप लोगों को स्टेप क्या रखना है मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को रखना है कि आपका एरिया, आपका गांव है, वहाँ पर ज़्यादा यूज़र किस सिम के है। जैसे अगर आपके एरिया में अगर वोडाफोन के ज़्यादा यूज़र है तो हाली मतलब कि बात तो सच है कि आप लोगों का नेटवर्क ही चलने वाला ही नहीं है, क्योंकि यूज़र ज़्यादा रहेंगे उसमें लोड पड़ने वाला ही है। इसलिए आप लोगों को देखना है कि कौन ज़्यादा कम सिम चल रही है इधर, उसी सिम को आप लोगों को बाय करना है। जैसे कि हमारे इधर VI अभी मतलब कि सब जियो में चले गए, बट हमारे इधर VI बहुत कम चलता है, तो इसलिए मैंने VI का सिम परचेस किया। तो मेरे को हाल ही में बहुत ही अच्छा स्पीड देखने को मिल जाता है, जैसे कि 23 MBPS 20 MBPS तक मेरे को स्पीड देखने को मिल जाता है, और वैसा नहीं कि नीचे अपलोड कर सकते वीडियो को। और तीसरा स्टेप है, आप लोगों को दूसरा स्टेप बता दूँ प्लान का। जैसे कि अगर मैं जियो का प्लान बताऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कितना GB मिलता है, 3 GB मैक्सिमम। आप लोगों को 4 GB वाला प्लान मिलता ही नहीं वहाँ पर VI में। अभी हाल ही में न्यू प्लान आ चुका है 4 GB डाटा पर डे, तो मेरे को डाटा ज़्यादा चाहिए। मैं 650 रुपीज़ का प्लान लगाता हूँ VI में, और साथ ही में मेरे को कितने 3 महीने के लिए 84 डेज के लिए मेरे को डेटा मिलता है, और वो 4 GB पर डे का रहता है। तो आप मतलब कि अंदाज़ा लगा सकते हो कि करीबन 336 GB मेरे को डाटा मिलता है, और वहीं पर जियो की बात करें तो वो 2 GB से मैक्सिमम देता ही नहीं है, 3 GB मैक्सिमम हो गया, उससे ऊपर डेटा ही नहीं है उसका। और प्लान देखे तो 701 रुपये का मैंने प्लान देखा वहाँ पर, इससे अच्छा तो मैं VI ही यूज़ कर रहा हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को छोटी सी वीडियो थी, नॉलेज मैंने दे दिया है। और आखिरी स्टेप वो रखना है कि आप लोगों का जो भी कॉलिंग वगैरह वो अच्छी लग जाए, आप लोगों को जो भी कुछ भी लगे कॉलिंग वगैरह थोड़ी अच्छी और बेटर इंडोर कवरेज देती हो, ऐसी सिम आप लोगों को चॉइस करना है, लेकिन यूज़ करके देखना है, अगर नहीं हो रहा है तो पोर्ट कर देना दूसरी सिम को। बट यही थे 3 स्टेप्स, इसकी मदद से आप लोग अच्छा न्यू सिम बाय कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।